समीकरण का परिचय आज हम सीखेंगे समीकरण यानी इक्वेशन क्या होता है और समीकरण कैसे बनाते हैं पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है आइए इसे एक उदाहरण से दोहराते हैं श्याम और रीता भाई बहन है यदि श्याम के पास रीता के तीन गुने से पांच पेंसिल अधिक हैं तो श्याम के पास कितनी पेंसिलें होंगी मान लीजिए रीता के पास कुल पेंसिलों की संख्या p है तो श्याम के पास कुल पेंसिलों की संख्या होगी तीन गुना पी जमा पांच बराबर तीन पी जमा पांच इस व्यंजक में पी एक चर राशि है किसी व्यंजक में हम अंग्रेजी के अक्षरों को चर यानी वेरिएबल्स कहते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता है अर्थात इनका मान बदलता रहता है। आइए अब श्याम के पास कुल पेंसिलों की संख्या का पता लगाएं। श्याम के पास कुल पेंसिलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पी का मान ज्ञात करना होगा क्योंकि श्याम की पेंसिलों की संख्या रीता की पेंसिलों की संख्या पर निर्भर करती है पी के विभिन्न मान व्यंजक के अलग अलग मान देंगे जैसे यदि पी बराबर एक है तो तीन पी जमा पांच का मान आठ होगा और यदि पी बराबर दो है तो तीन पी जमा पांच का मान ग्यारह होगा इसी प्रकार यदि हम कहें कि श्याम के पास पेंसिल की कुल संख्या सत्रह है तो इसे हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं तीन पी जमा पांच बराबर सत्रह यह एक समीकरण है जिसके बाएं पक्ष में श्याम के पास कुल पेंसिल दर्शाने वाला व्यंजक तीन पी जमा पांच है व दाएं पक्ष में सत्रह उसके पास कुल पेंसिलों की संख्या को दर्शाता है और यहाँ समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों का मान बराबर है इस समीकरण को देख के हमें यह पता चलता है कि श्याम की सत्रह पेंसिल रीता की पेंसिल की संख्या पर निर्भर करती हैं क्योंकि श्याम के पास हमेशा रीता की तीन गुने से पांच पेंसिल अधिक होंगी तो हम कह सकते हैं कि समीकरण हमेशा चर पर दिए गए प्रतिबंध यानी कंडीशन को दर्शाता है पी के स्थान पर चार रखने पर हमें प्राप्त होगा तीन गुना चार जमा पाँच बराबर सत्रह बारह जमा पाँच बराबर सत्रह सत्रह बराबर सत्रह एल एच एस बराबर आरएचएस जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि दोनों पक्ष समान हैं, अतः चार ही इस समीकरण का हल होगा आइए अब समझते हैं कि समीकरण क्या होता है समीकरण यानी इक्वेशन एक गणितीय कथन है जिसमें समता का चिन्ह दो व्यंजकों यानी एक्सप्रेशन की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशि और संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए छह एम जमा एक बराबर तेरह यह समीकरण हमें बताता है कि छह एम और एक का योग तेरह के बराबर है समीकरण में समता का चिन्ह यानी साइन ऑफ इक्वालिटी यह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर है इसमें बाएं पक्ष को एल और दाएं पक्ष को आर से दर्शाते हैं यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है इसी प्रकार तीन पी जमा पांच बराबर आठ यह समीकरण हमें बताता है कि तीन पी और पांच का योग आठ के बराबर है इस समीकरण में बाया पक्ष तीन पी जमा पांच है और दाया पक्ष आठ है पी का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा इस समीकरण का हल कहलाएगा आइए अब इसे एक तुला की सहायता से समझें एक समीकरण किसी तुला की तरह होती है यदि आपने तुला को देखा है तो आप जानते होंगे कि तुला के दोनों पलड़ों में समान भार होने पर वह संतुलित हो जाती है यदि हम दाएं पलड़े में कुछ भार बढ़ा दें, तो बाया पलड़ा ऊपर उठ जाता है और तुला संतुलित नहीं रहता समीकरण पर भी यही नियम लागू होता है एक संतुलित समीकरण में बाया पक्ष सदैव दाएं पक्ष के बराबर होता है आज हमने सीखा समीकरण क्या होता है और समीकरण कैसे बनाते हैं आशा करते हैं कि आपकी समीकरणों की अच्छी समझ बन गई होगी अब अगली वीडियो में हम इन्हें उदाहरणों की मदद से और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद